अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने लगी हूँ, ठीक है, शॉर्ट भी लॉन्ग भी। तो ये सब वो क्वेश्चन था बच्चे जो बार बार पिछले प्रीवियस पेपर्स में भी रिपीट हुए हैं, तो इंशाल्लाह इसमें भी आपकी काफ़ी हेल्प होगी। बुक्स तो आपने सारी पढ़ ली हुई हैं, अब आपने रिवीजन ही करनी है, तो सभी जो शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे इनको भी निशान लगा लो और जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना उनके भी अच्छे से निशान लगा लो, ठीक है। और इन सब क्वेश्चन को अपने स्कीम के हिसाब से, इनके स्कीम मैंने सारी वैसे सेकंड ईयर की अपलोड कर दी हुई है, तो आप उसके हिसाब से ना मतलब चेक कर लो, ठीक है। और चैप्टर वाइज लॉन्ग को जस्ट वही करो जो आपकी स्कीम है, मतलब आपने वो चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। शॉर्ट आप सभी कर लो, ठीक है, जो कि क्योंकि शॉर्ट आपने पूरी बुक के ही करने हैं, तो वो सब आप देख लें, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको सारी इसको डिटेल में बता देती हूँ। अच्छा बच्चे इसमें आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं लॉन्ग क्वेश्चन बता देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है बच्चे नस्ल की तारीफ करें, ठीक है, उसके बाद है सकाफत की तारीफ करें, और उसके बाद है दरारों के जिस्मानी खदोखाल तहरीर करें, कौम की तारीफ करें, दरारों ने कौन से दो शहर आबाद किए, लफ्ज हड़िप्पा के क्या मानी है, आर्याओं का खानदानी निजाम बयान करें, बरे सगीर की सकाफत पर आर्याओं की सकाफत के तीन असरात लिखें, मुगलों के दौर की चार इमारतों के नाम लिखें, मुगलों के जिस्मानी खदोखाल तहरीर करें, बरे सगीर के लोगों ने यूनानियों से क्या सबक सीखा, नजरिया से क्या मुराद है, कौमी यकजहती से क्या मुराद है, आर्याओं की चार जातों के नाम लिखें, इस्लामी सकाफत की दो खसूसियात लिखें, रंगत के लिहाज से नस्ल की इकसाम की तहरीर करें, दो कौमी नजरिया की तारीफ करें, वादी सिंध की तहजीब से क्या मुराद है, आर्याओं के सियासी निजाम के बारे में लिखें, बरे सगीर में इस्लाम फैलाने वाले चार औलिया कराम के नाम लिखें। उसके बाद आ जाते हैं दरारों के जवाल के असबाब लिखें, आर्या माशरा में बेवा औरत का क्या मुकाम था, माशरा से क्या मुराद है, रगे वईद का तारुफ लिखें, जिली सकाफत की तारीफ लिखें, सकाफती इख्तलाफात से क्या मुराद है, जिरगा से क्या मुराद है, चक या गांव की तारीफ करें, सिंध की दो लोक दास्तानों के नाम लिखें, पंजाब के चार सनती शहरों के नाम लिखें, मुर्दमशुमारी की अहमियत लिखें, इस दवाजी हैसियत से क्या मुराद है, ब्लोट सकाफत की दो खसूसियात लिखें, सनफी तनासब से क्या मुराद है, बल्दियाती आबादकारी या बल्दियाती इलाका किसे कहते हैं, खेत रहाइश से क्या मुराद है, सनफी तनासुब में फर्क की दो वजूहात लिखें, आबादी की इमरानियात से क्या मुराद है। उसके बाद आ जाते हैं बस्ती से क्या मुराद है, खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत की दो खसूसियात लिखें, पठानों में बदल का तसव्वुर क्या है, पंजाब में मजहबी हालात बयान करें। उसके बाद आ जाते हैं इलाकाई तासुब से क्या मुराद है, बलोचों में खानगी जिंदगी का तसव्वुर क्या है, मुश्तरकी खानदान किसे क्या मुराद है, इसकी दो खसूसियात लिखें, खानदान और बरादरी में क्या फर्क है, शादी की इकसाम के नाम लिखें, फनी तालीम से क्या मुराद है, सादा खानदान की तारीफ करें, मजहबी अदारा के दो वजाइफ लिखें, तालीमी अदारे के दो वजाइफ लिखें, अफराते आबादी की दो वजूहात लिखें, गुरबत की तारीफ करें और इसके खात्मे के लिए दो इकदाम लिखें, पाकिस्तान में नाख्वानगी की दो वजूहात लिखें, एक अच्छे लीडर के दो औसाफ लिखें, माशी अदारा की तारीफ करें, दो वजाइफ लिखें। उसके बाद आ जाते हैं नकल मकानी की तारीफ करें और दो वजूहात लिखें। अब नकल मकानी की तारीफ भी पूछ सकते हैं और इसकी नकल मकानी की वजूहात भी पूछ सकते हैं, मतलब इस तरह से है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है चार सानी पेशों के नाम लिखें, खानदानी मनसूबाबंदी से क्या मुराद है, रस्मी और गैर रस्मी तालीम की तारीफ लिखें, ठीक है। ये हो जाते हैं बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इन शॉर्ट क्वेश्चन की आप तैयारी करो, मतलब वैसे तो आपने एक बार बुक को पढ़ लिया होगा, जस्ट रिवीजन के लिए मतलब इन शॉर्ट क्वेश्चन को जरूर करो क्योंकि ये पेपर में बार बार आए हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, और लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे नीचे लिखे हुए, तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाते हैं, पाकिस्तान की सकाफत पर दरारों के असरात लिखें, दो कौमी नजरिया की इमरानी नुक्ता नजर से वजाहत करें, दही आबादकारी से क्या मुराद है, इसकी इकसाम में से किसी एक के खास लिखें, गाँव की मईशत के चीदा पहलू, अब ये सब टॉपिक्स जो है ना बच्चे इनको टिक कर लो और इनको जरूर करो, ठीक है। टिक करने के बाद स्कीम वाइज आप देखो कि कौन से वाले चैप्टर्स आपने करने हैं लॉन्ग, तो उनको फिर बाद में आप ऐड कर देना, शोर तो आपने सारे ही करने हैं, ठीक है। गांव की मशीद के चीदा पहलू, अफराते आबादी की माशरा पर असरात का जायजा लें, गांव के खास
तफसीली तहरीर करें, पाकिस्तान में गुर्बत की वजूहात लिखें, कौमी यकजहती के मसाइल पर बहस करें, नीज इसके फरोग के लिए इकदाम लिखें। उसके बाद आ जाते हैं सियासी अदारा की तारीफ करें और इसके वजाइफ बयान करें, पाकिस्तान में नाख्वानगी की वजाहत और तफसीली जायजा लें, दरारों के तहजीब की खसूसियात बयान करें, बल्दियाती आबादी में अजाफे के असरा तहरीर करें। उसके बाद है गाँव के बुनियादी पेशे बयान करें। उसके बाद आ जाते हैं नजरिया क्या है नजरियात बयान करें जिन पर पाकिस्तानी माशरे की बुनियाद कायम है। आर्या सकाफत के चीदा चीदा ख्वास बयान करें। सिंधी सकाफत की खसूसियात लिखें। और लास्ट है पाकिस्तान की जिली सकाफतों में मुमासलत और इख्तलाफा तहरीक करें। ठीक है बच्चे, ये सब बच्चे क्वेश्चन जो मैंने बता दिए शॉर्ट के भी लॉन्ग के भी। इसके अलावा बच्चे आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो। उसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। ठीक है, मजीद मालूम अगर कुछ भी पूछना हो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में तो वो कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट जो नोट्स हैं वो फिर आप तक खुद ही पहुंच रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।